दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। आज हम आपको जैविक उत्पाद दिखाएंगे। आज जो हमारे खेतों में यूरिया, डीएपी और इतने जो जहरीले रसायन डाले जा रहे हैं और उसके चलते हमारे गांव में भी बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं। बीपी, शुगर, कैंसर से लेकर हर तरह की बीमारियां, जो बीमारियां ये कहते थे ये बीमारियां पहले शहरों की हैं, आज वो सारी बीमारियां गांव के लोगों को भी जकड़ रही हैं। तो ऐसे में हरियाणा के कुछ किसानों ने जैविक खेती करना शुरू कर दिया है और अपने जैविक उत्पाद बनाकर मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। आज हम एक ऐसे ही किसान से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने कुछ ऐसे किसानों का समूह बनाया है जो जैविक खेती करते हैं और अपने उत्पाद बनाते हैं, और इनके उत्पादों को मार्केट में किस तरह से बेच रहे हैं, क्या लागत है और किस तरह से ये अपने उत्पाद तैयार करते हैं। तो भाई किसान हमारे साथ हैं विक्रम सिंधु जी, उनसे बात करेंगे। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये मुहिम आपने कब से शुरू की थी? 2011 में, आज से 11 साल पहले राजीव भाई दीक्षित से प्रेरित होकर हमने ये मुहिम शुरू की थी। भाई किसान अपने खेत में यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड ना डाले, बाजार से कुछ भी चीज़ वो अपने खेत में ला के ना डालें। उसके बाद हमने जी लगातार हर महीने कैंपेन शुरू किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, हम खुद भी सीखते रहे। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर जो भी जैविक किसान पुराना था, जैसे भारत भूषण त्यागी जी, दीपक सचदेव जी, जैसे सुभाष देसाई जी, जैसे जो भी जागरूक किसान थे, उन सब के खेतों में जाकर हमने सीखा और फिर यहाँ अपने खेत में एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करी जो पिछले 11 सालों से हम चला रहे हैं, जहाँ किसानों को निःशुल्क उनका रहना सहना खाना पीना सब हमारे तरफ से है। किसान को कुछ नहीं देना, उसकी तो सिर्फ इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, वह उसने अपने खेत में यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड नहीं डालना। पिछले 11 साल में 35,000 से ज़्यादा किसानों को हमने ट्रेनिंग दे दी है और अभी एक साल से हम उन 35,000 किसानों में से कुछ विश्वसनीय किसान साथियों का सामान एक प्लेटफार्म के ऊपर इस मार्केट में लेकर आए हैं जी। 21 नवंबर से 25 नवंबर तक का यहाँ यूनिवर्सिटी में नेचुरोपैथी का सेंटर था, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे को अप्रोच की गई, भाई प्राकृतिक आहार भी नेचुरोपैथी का हिस्सा है, आप यहाँ आइए और 5 दिन यहाँ लोगों को जागरूक करिए, तो इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं जी। तो आप ये जो प्रोडक्ट है एक एक करके आप इन प्रोडक्ट के बारे में बताओ, ये कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से आपने तैयार कर रखी है? ये है जी देसी खांड गन्ने से, गुड़ है जी, आंवला कैंडी है जिसको हमने चीनी और खांड से मीठा नहीं किया, स्टीविया की पत्तियों से मीठा किया है। अच्छा। ये हमने बिस्कुट बनाए हैं जी देसी गाय के घी के, गुड़ डाल के, बाजरे के बिस्कुट भी हैं, मल्टीग्रेन आटे के बिस्कुट भी बनाए हैं जी हमने जी। उसके बाद ये मुरब्बे हैं अलग अलग, अचार हैं अलग अलग, चटनी है जी आम की चटनी है, ये आंवला का पाउडर है, इसके बाद ये है जी करौंदे का मुरब्बा शहद के साथ, हमने काफ़ी सारे मुरब्बे शहद के साथ और काफ़ी सारे मुरब्बे देसी खांड के साथ तैयार किए हैं जी। हमारे पास अनाज, दालें, सब्जियां और मुरब्बे, तेल, घी, मसाले, इस तरह से ये एक पूरी रेंज हमने एक प्लेटफार्म पर तैयार करके दी हैं उपभोक्ताओं को भी, और किसानों के लिए भी एक खुला मंच है भाई, वो अपना उत्पाद इस प्लेटफार्म पर हमारे माध्यम से अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं जी। और ये हल्दी बताओ ये क्या है? ये हल्दी लोगों का भ्रम था जी भाई, हल्दी उत्तर भारत में नहीं हो सकती, हल्दी उत्तर भारत में नहीं हो सकती। अभी भी आप आइए हमारे खेत में, स्वयं के खेत में, जहां हमने रोल मॉडल बनाए रखा, 6 फुट लंबी हल्दी आपको अभी भी मिलेगी। बाजार में जो हल्दी मिलती है उसके अंदर से करक्यूमिन निकाल लेते हैं जी, उसके अंदर से आपका तेल निकाल लेते हैं और खाली पाउडर पीस के दे देते हैं। अभी इस हल्दी को आप खुद स्मेल करके देखना, यूज़ करके देखना, ये हल्दी बोलेगी जी, हमने बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये तमाम चीज़ें हैं जो बाज़ार में मिल रही हैं, उनमें और इनमें दिन रात का फ़र्क है, क्योंकि हमने किसी भी उत्पाद को पैदा करते वक्त यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड नहीं डाला और इसको प्रोसेस करते वक्त किसी भी तरह का कोई भी प्रिजर्वेटिव और कोई भी केमिकल नहीं डाला। जितने भी प्रोसेसिंग आइटम है उसको हमने कोल्ड प्रोसेस तरीके से प्रोसेस करके तैयार किया गया है जी। और उत्पाद बताओ ये और कौन कौन से हैं इसके अलावा? हमारे पास तमाम तरह के मसाले हैं जी, जो जिनको हम साबुत मसाले भी हैं और प्रोसेस मसाले भी हैं, मुरब्बे तमाम तरह के हैं, अचार तमाम तरह के हैं, चावल हैं जी। एक एक करके ये क्या है? ये गुलकंद बनाया है जी हमने जी। गुलाब का और शहद का नेचुरल तरीके से प्रोसेस करके गुलकंद बनाया है। उसके बाद ये
करौंदा का मुरब्बा है, सेब का मुरब्बा है, आंवला का मुरब्बा है, अरहड़ का मुरब्बा है। ये एक खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ जो बुजुर्ग कहते थे भाई हरेक इलाज का, हरेक बीमारी का इलाज हमारे रसोई घर में है, सेम उसी तरह से ये जितनी भी चीज़ें हैं जी, ये दवाई भी हैं और दवाई ना कहकर आहार ही दवाई है, यानी कि दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये एक बड़ी गजब की चीज़ है, ये क्या था विक्रम जी? ये कॉफ़ी है जी, कॉफ़ी के पत्ते और स्टीविया के पत्ते को मिक्स कर दिया, रेडी टू यूज। आप इसको चाय में, जो चाय मीठा कुछ नहीं डालना, दूध में उबाल लो या पानी में उबाल लो, ये आपकी तैयार है। तैयार है ये है भी, बहुत ही गजब की चाय है ये, मैंने दो पैकेट इनसे खरीद लिए हैं, इनकी चाय बना के देखेंगे। ये साबुत धनिया है जी, जीरा है, साबुत मूंग है, मूंग की दाल है, ये मूंग की दाल हमने प्रोसेस की हुई है। ये चावल है, चावल 1509 है जी, चावल 1121 है, तरावड़ी वनस्पति 30 नंबर चावल है जी। साबुत छोले हैं जी, ये छोटी मक्खी का शहद है जो हमारे पास भी बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि छोटी मक्खियां हमने इतने घातक केमिकल अपनी खेती में यूज़ करने शुरू कर दिए, वो छोटी मक्खी रही ही नहीं खेत में, तो ये बहुत कम मात्रा में हमारे पास, लेकिन इसकी गुणवत्ता आप विश्वास नहीं करोगे। दो चम्मच चटाओ आप हल्दी के साथ, आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो वो आपकी नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से ये हमने सब्जी के मसाले तैयार करे हैं जी, गन्ने का सिरका है, जामुन का सिरका है। ये क्या गन्ने का सिरका है जी? ये गन्ने का सिरका तैयार किया जी, ये फौजी लोग खाते थे जी हमारे यहाँ, तो अब धीरे धीरे लोगों ने खाना शुरू किया, फौजियों की डाइट का हिस्सा था ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है जी। इसमें कुछ नहीं कर रखा हमने, खाली गन्ने का रस को एक बोतल में डाला और 6 महीने के लिए हमने इसको प्रोसेस होने के लिए रख दिया। ये अपने आप उस गन्ने के रस ने सिरके का रूप ले लिया है, तो इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी चीज ना हमने निकाली ना हमने डाली जी। तो ये डाइजेशन सवाल ले पैदा नहीं होता जी। ठीक है, और बताओ ये जो तेल, ये पीली सरसों का तेल है जी, ये पीली सरसों का तेल है जो खाने में हमारे लिए, जैसे पहले आज से 10-12 साल पहले डॉक्टर लोग समझाया करते भाई आप घी मत खाओ, घी भारी है, रिफाइंड खाओ, रिफाइंड हल्का है, उस रिफाइंड ने और भट्ठा बिठा दिया। लेकिन मेरा समझाने का तरीका ये है, जो काला तेल है, काली सरसों का तेल है, उससे ये थोड़ा सा हल्का होता है खाने में, तो इसका जब आप यूज़ करोगे तो आप ये नहीं बता पाओगे भाई ये घी है या तेल है। ये पीली सरसों का तेल है जी। कैसे निकाला हुआ आपने तेल? ये हमने लकड़ी का कोल्लू में निकाला जी, इमली की लकड़ी का कोल्लू तैयार करया है, जिसको ये बाजार में लोग कहते हैं वर्जिन ऑयल है, और वो लोग बेचते हैं वर्जिन ऑयल कहकर। आप उनसे पूछोगे वर्जिन ऑयल की परिभाषा क्या है, वो आपको वर्जिन ऑयल की परिभाषा नहीं बता पाएंगे, लेकिन मार्केटिंग की उनने फंडे रच रखे हैं, वो वर्जिन कहकर बेच रहे हैं, वास्तव में वर्जिन ऑयल ये है जी। बिल्कुल, आप सिर्फ ये मुंडासा बांध रहे हो, मार्केटिंग आपको नहीं करनी आई, आप सिंपल किसान हो जी। हम जी, ये बताओ ये काला तेल, और बताओ ये जो काला तेल रखा हुआ है, ये काली सरसों का तेल है जी, इसको भी हमने इमली की लकड़ी के कोल्लू में और स्लो प्रोसेस करके निकाल लिया है। अब ये मशीन तो मोटर तो हमने बिजली वाली लगा रखी है, लेकिन उसके चक्कर स्लो कर रखे हैं हमने, ये नहीं भाई ये बुल प्रेस ऑयलर ये है वो है, मशीन से चलता है लेकिन उसके चक्कर स्लो हैं जी। ठीक है, और बताओ और क्या क्या उत्पाद है इसके अलावा आपके पास? ये मूंगफली का तेल है जी। अच्छा, ये भी जी मूंगफली की गिरी का तेल है, ये नारियल का तेल है जी, नारियल का तेल है जी, यों का यों, इसके अंदर कोई जो भी चीजें हमारी यों की यों हैं। अच्छा ठीक है, और ये क्या है? ये बिस्कुट है, बाजरे के बिस्कुट हैं जी अलग से, वो गेहूं के थे, मल्टीग्रेन के भी बना रखे हैं जी, तो यही सारी चीजें हैं जी। ये तो अभी तो आप चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में हो जी, जी। आम किसान या आम उपभोक्ता आपसे संपर्क करना चाहे तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं हरियाणा में आपका सामान? देखिए मैं बताता हूँ जी, मेरा नाम विक्रम सिंधु, गांव खांडाखेड़ी, जिला हिसार। आप इसको कहीं भी सर्च करोगे, जहर मुक्त खेती अभियान नाम से हमारा कैंपेन है जो पिछले 11 साल से चल रहा है। हमारे गाँव में जो हमने ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है वो 24 घंटे खुला रहता है, वहाँ आकर कोई भी किसान जैविक खेती की बीज से बाजार तक की तमाम तरह की सुविधा हमारे से निशुल्क उपलब्ध प्राप्त कर सकता है जी। और जो उपभोक्ता हैं अगर वो हमारे से सामान मंगाना चाहते हैं तो हम कोरियर करा देते हैं जी, कोरियर के माध्यम से हिंदुस्तान ही नहीं कनाडा जर्मनी तक भी हमारे किसानों का सामान कोरियर के माध्यम से जाता है जी। तो ये थे भाई किसान विक्रम सिंधु, जिन्होंने विस्तार से अपने जैविक उत्पादों के बारे में बताया है। ये जैविक हैं,
प्योर तरह से जैविक हैं। हम यहाँ जींद की चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में आए हुए थे और किसान भाई का स्टॉल देखा, तो ये प्रायोजित नहीं है और बिल्कुल निःशुल्क ये किसान भाई की हमने पहले इनसे बात की और इनकी बातों में ईमानदारी झलकी और हमें लगा कि चीज़ें ओरिजिनल हैं। इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाई गई है, आपको अच्छी लगे, किसान भाई की मदद करो। आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हमारे जो किसान भाई हैं DAP यूरिया ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में इतना डाल रहे हैं कि फसल तो छोड़िए, अब माँ के दूध में भी जहर निकल गया है। निष्ठे की कोई रिसर्च थी उसमें सामने आया था। तो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, बीमारियों से बचाना है, तो जैविक उत्पादों का प्रयोग करें और बीमारियों से बचे रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।